नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं आपके लिए आज इलेक्ट्रिकल की नई वीडियो लाया हूँ। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी करंट, हमारे एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर होता है। पहले एसी का फुल फॉर्म, एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट, एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मीन डायरेक्ट करंट। और अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, एसी एसी करंट रिवर्सिबल इट डायरेक्शन पीरियोडिकल। एसी करंट में डायरेक्शन रिवर्सिबल होते रहते, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ये टाइम के हिसाब में। लेकिन डीसी करंट में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, उसमें एक ही डायरेक्शन में करंट जाती है। और मैग्नीट्यूड ऑफ, थर्ड पॉइंट देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट वेरिंग विद टाइम। इसमें जो वे ये है, ये टाइम के हिसाब अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जो हम बता रहे थे कि इसके डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं, ये पॉजिटिव में नेगेटिव में फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये टाइम के हिसाब से वेरिंग विद, मतलब ये टाइम के हिसाब से करंट चेंज होते रहती है एसी में। डीसी में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट में भी कॉन्स्टेंट और वेरिंग विद टाइम, बट ओनली इन वन डायरेक्शन। जो इसमें करंट है वो कॉन्स्टेंट रहती है टाइम के हिसाब में, और जो इसमें करंट है वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, डीसी करंट में। अब एसी एसी में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ से 60 हर्ट्ज़ तक रहती है, डिपेंड अपॉन कंट्री। जो हमारे इंडिया में है हम यूज करते हैं 50 हर्ट्ज़, और जो बाहर के देश में कोई कोई कंट्री में 60 हर्ट्ज़ भी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ होती कैसे। जैसे यहाँ से ये एक पॉजिटिव से होकर नेगेटिव में यहाँ तक, इसे वन साइकिल कहते हैं। ये वन साइकिल एक सेकंड में 50 बार हो, ऐसी पॉजिटिव से नेगेटिव, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़। 50 बार होगी तो 50 हर्ट्ज़, 60 बार होगी 60 हर्ट्ज़। डीसी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी प्योर इज जीरो। इसमें डीसी में हमारे फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, इट में है हाई फ्रीक्वेंसी रिपल। इसमें बस हल्के से रिपल होते हैं, जैसे कि हम जो हमारा जो चार्जर है उसमें चार्जर यूज तो हम एसी करंट से होता है, लेकिन उसके अंदर जो रेक्टिफायर है उससे कन्वर्ट कर देते हैं डीसी में। और जो उसमें आईसी ट्रांजिस्टर ये सब बहुत आईसी बंद होते रहते हैं, ऑन होते रहते हैं, तो उसमें हमारे चार्जर में ऐसा हल्का सा रिपल आता है। पांचवा पॉइंट है, मोस्टली सिंसोडल स्मॉल सिग्नल में भी ट्रेपेजियम ट्रायंगल स्क्वायर। हमारे एसी में हमारा जो सिग्नल बनता है वो सिंसोडल भी बनता है, ट्रेपेजियम भी, ट्रायंगल स्क्वायर, लेकिन इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है। इसमें साइन जो है पॉजिटिव भी जाते हैं नेगेटिव भी, लेकिन डीसी में इसमें ओवरलैपिंग होती है ट्रेपेजियम ट्रायंगल स्क्वायर की, इसे ही हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। लेकिन ये जो भी बने बस एक ही साइन में बनती है पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में इसके साइन नहीं जाते। और हमारा छठा पॉइंट है, एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी यूजिंग रेक्टिफायर। एसी से हम डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज करते हैं, लेकिन डीसी से एसी में बदलने के लिए चाहे सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो, हम एसी का यूज, इन्वर्टर का यूज करते हैं एसी में बदलने के लिए। और सातवां पॉइंट है, एसी इज नॉट पोर्टेबल। एसी को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते हैं। वैसे तो जाते हैं जैसे जनरेटर में तेल गेर के वो चले, लेकिन वो इतनी आसानी
काम नहीं। जैसे हम डीसी को ले जाते हैं कैरी करके कहीं भी बैटरी के फॉर्म में, जैसे हमारा रेडियो, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब हम आसानी से ले जा सकते हैं। और हमारा आठवां पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी सप्लाई होती है इंडिया में वो होती है एसी करंट में, और डीसी में हमारे इंडिया में सप्लाई नहीं होती। हमारी जो कंज्यूमर से सप्लाई होती है वो एसी की होती है। और हमारा नवा पॉइंट है इसको हम फोर्थ को इजीली फिरौते कर सकते हैं एसी में, जैसे हमारे यहाँ से यहाँ आने के बाद यह बोलते जीरो हो जाते तो हमें आसानी से पता चल जाता है। जब हमारा कुछ फॉल्ट होता है तो यहाँ वोल्टेज ये पॉइंट में जीरो हो जाता है, इससे हम आसानी से पता कर लेते हैं कि हमारा ये फॉल्ट है। और डीसी में फॉल्ट इतने आसानी से हमें पता चलता नहीं है, मतलब उसमें भी प्रोटेक्शन होती है लेकिन थोड़ी डिफिकल्ट होती है। जो इसकी एमसीबी आती है वो हाई कॉस्ट की आती है। हमारा दसवां पॉइंट है एसी, वोल्टेज कैन बी चेंज इजीली यूज है ट्रांसफॉर्मर, जो हम वोल्टेज उसको इजीली चेंज कर सकते हैं, हाई करना और लो करना, उसे हम इजीली ट्रांसफॉर्मर के उससे स्टेप अप स्टेप डाउन के उससे हम वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। जैसे हम अपने सब स्टेशन से हमारे बहुत हाई वोल्टेज आते हैं जैसे 11 kV, 66 kV, उसे फिर ट्रांसफॉर्मर चेंज करके हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए 220 वोल्टेज तक या 3 फेज के लिए यूज होते हैं, तो वो सब ट्रांसफॉर्मर की मदद से होते हैं। और जो डीसी करंट है उसमें हम वोल्टेज चेंज नहीं कर सकते हैं ईजिली, उसमें भी मतलब वोल्टेज चेंज करने के लिए हमारा बहुत डिफिकल्ट सर्किट है तो वो ईजिली चेंज नहीं हो पाता है डीसी करंट में वोल्टेज। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये टॉपिक एसी करंट और डीसी करंट समझ में आया होगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।